अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 5.3 हमारी स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपनी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका इसके 1 से 3 पार्ट हैं। सभी स्टूडेंट्स सेम उसी तरीके से स्प्लिटिंग लिटिल टर्म ब्रेक ही होगा। फैक्टराइज द फॉलोइंग। अगर आपके पास इस तरह की कोई बड़ी क्वेश्चन आ जाती है जिसके अंदर नंबर्स बड़े बड़े हों और आपको फैक्टर्स बनाने में मसला हो, तो आप पहले कॉमन ले सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पर, आप पहले इसे नोट डाउन करें। 24x² - 81x + 27, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास, हमें तो पहले क्या करना है, इसमें से कॉमन देख लें। फर्स्ट रूल यही होता है, जब भी आप फैक्टराइज करें, फर्स्ट रूल कॉमन मेथड। अगर कॉमन आ रहा है तो पहले आप कॉमन लें, ताकि आपकी क्वेश्चन थोड़ी छोटी हो जाए और सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाए। अब आप देखें हमारे पास यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, जो तीनों के अंदर हो। अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट्स 3 कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास 3 जो है वो 24 में भी आता है और 81 में भी और 27 में भी। अब मैंने 3 कॉमन ले लिया। अब देखें 3 का टेबल, जब आप 8 टाइम पढ़ेंगे, 3 8 = 24, ये हो जाएगा x² इसी तरह। माइनस साइन ऐसे ही आई बीच वाली, इसको बस हमें थोड़ा, वैसे भी अगर आप 27 को 24 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, तो तब भी आप जो है 648 जो आपका आंसर आएगा, उसके ज़रिए भी आप फैक्टर्स बना के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस तरह बता रही हूँ कि आप थोड़ा शॉर्ट कर लें, ताकि आसानी हो जाए। तो ये हो जाएगा 3 2 6, ये 27 हो जाएगा। 3 7 20 3 7 21x आया और 3 9 27, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। अब आपने अभी 3 को जो है यहाँ पे इग्नोर करना है। स्प्लिटिंग विद टर्म ब्रेक वाले ही क्वेश्चन हैं ये भी। अब यहाँ पर 27x दे दिया गया है, इसको आपने स्टूडेंट्स ब्रेक करना है। सबसे पहले आप तो a into c ले लें। ये a है, ये b क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी, आपको सब पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। हमारे पास यहाँ पर डिग्री 2 है, जो हमारे पास वेरिएबल गिवन है। अगर वहाँ पर डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर को जो है वो देखा जाता है, ठीक है। डिग्री 2 है तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। हमने a into c ले रहा है। ये हमारे पास a है, ये b है और ये c है। तो 8 9 = 72 हो जाएगा। पहले आप 72 के फैक्टर्स ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आप फैक्टर्स बहुत तरीके से ले सकते हैं, मैंने आपको बताया है। ये हो जाएगा जी 2 3 = 6 और 2 6 = 12, ठीक है। 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24 और यहाँ हमारे पास 3 है। हमारे पास 24 और 3 जो है यहाँ पर फैक्टर आया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 8x² है, ये आपने इसी तरीके से लिख दिया। आपने जो है 27x को जो है यहाँ पे ब्रेक किया है। अब पहले साइन स्टूडेंट्स, ये दो फैक्टर्स हैं, 24 है और एक 3 है। आप इंटू करके 24 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कोई जो दो फैक्टर्स हमें इन तमाम फैक्टर्स में से कोई दो फैक्टर्स ऐसे चूज़ करने होते हैं जिसको हम आपस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट फाइंड आउट हो, जो 72 है। और जब हम उनको सॉल्व करें तो बीच वाले टर्म हमारे 27 आना चाहिए, ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिया गया है। अच्छा, अब हमारे पास ये -27 है। पहले तो आपने क्या करना है, ब्रेक करके दो फैक्टर्स हैं, एक हमारे पास 24x है और एक हमारे पास ये 3 है। तो आपने इन दोनों को इसी तरीके से यहाँ पर लिख दें। अब साइन का, यहाँ जो साइन होगी वो यहाँ आएगी और यही साइन डिसाइड करेगा कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर प्लस लगा दूँ तो मुझे 27 चाहिए, जाहिर है माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 और हमारे पास जो 3 है ये 27 हो जाएगा। और इन्हीं को अगर मैं आपस में जो है मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो माइनस माइनस प्लस 24 3 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 72, ठीक है। हमारे पास फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बने हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉमन मेथड अगेन वही चीज़ आ जाएगी, 3 सी जरा रहेगा। क्या चीज़ कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों में भी स्टूडेंट्स हमारे पास जो है यहाँ पर 8 कॉमन है, ठीक है। 8 एंड x, यहाँ आ गया x माइनस 8 का टेबल, 24 आता है, 8 3 = 24 और यहाँ हमारे से हमारे पास 3 कॉमन है, यहाँ आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस 3 3 = 9, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 3 कॉमन है ना फैक्टर्स, x माइनस 3 और दूसरा वाला हमारे पास क्या है बाहर वाला, यहाँ 8x और यहाँ माइनस 3 है, 8x - 3, ठीक है स्टूडेंट। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसका रिलेशन इसके साथ भी है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 3x 3 3 = 9, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हो जाएगा 8x - 3। अगर आप उस तरीके से करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। आप इस तरह जो है कॉमन लेकर 3 करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लीजिए 36x² + 154x - 36, ठीक है। अब आपने इसको इसी तरीके से पहले कॉमन ले लेना है। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ
ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 2 इवन, इधर आया 18 और 16 हो जाएगा 2 8 16। स्टेप बाय स्टेप इसलिए करते हैं जरा मैथ्स कमज़ोर है ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। 2 7 14 वन आया 2 7 14 ठीक है। एक्स माइनस 2 1 2 2 8 16 ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपकी इक्वेशन ये वाली है, इसमें आपने पहले एन टू सी करें, ये 18 है और 18 18 18 सब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 324 ठीक है। 324 का आपने एलसीएम ले लेना है, इस तरीके फैक्टर्स बना लेने हैं आपने, सॉरी फैक्टर्स बनाए हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 से कर लीजिए पहले 2 1 2 2 6 12 2 2 4 2 8 16 2 1 2 3 से कर लीजिए 3 2 6 3 7 21 3 9 27 3 3 9 एंड 3 1 3 ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसके फैक्टर्स बना ले, ये हो जाएगा 2 2 4 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 में से अगर मैं 4 को माइनस करती हूँ तो 77 आता है, और अगर 84 में को अगर मल्टीप्लाई करती हूँ 4 से 324 आता है ठीक है। ये फैक्टर सेटिस्फाई कर रहे हैं ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ आ जाएगा जी 18x स्क्वायर। अब आपने दोनों फैक्टर्स ले लेने, एक हमारे पास 81 है और नेक्स्ट दूसरा वाला हमारे पास माइनस का 4 है। अच्छा साइन आप यहाँ लगाया करें, दोनों फैक्टर्स लिख लें ये वाले, अपने साइन यहाँ लगानी, यहाँ जो साइन आएगी वहाँ वो यहीं आएगी। अब ये डिसाइड करेगा यहाँ प्लस आएगा है, मुझे 77 चाहिए, अगर यहाँ मैं प्लस लगा दूँगी तो 84 जो है वो बड़ा हो जाएगा, 85 बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें 77 चाहिए तो यहाँ माइनस लगाएंगे। 81 में जब 4 को माइनस करूँगी तो 77 आ रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है ये फैक्टर। और अगर इसी को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ प्लस माइनस माइनस, मुझे माइनस का 324 चाहिए था, यहाँ माइनस का 324 ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस को निगलेक्ट किया है मैंने यहाँ पर। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी ज़ाहिर है किसी ने एक के साथ माइनस लगाऊँगी तो माइनस का 324 आ जाएगा सही ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस का 18 है ना यहाँ पर, और यहाँ भी 18 है, तो मुझे जो है 324 माइनस का हो जाएगा ज़ाहिर है। अच्छा अब क्या करना है, यहाँ पे अगेन वही चीज़ आ जाएगी दोबारा कॉमन मेथड। अब कॉमन ले लीजिए, यहाँ 18 है और यहाँ हमारे पास 81 है, तो मैं यहाँ पर 9 कॉमन ले सकती हूँ, ये बिल्कुल ले सकती हूँ, और x भी कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा 9 2 18x प्लस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 ठीक है, 9 9 81 ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास माइनस का, यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 2 2 4x माइनस माइनस प्लस 2 9 18 ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2x + 9 जो है यहाँ कॉमन है, और दूसरा वाला जो है वो 9x - 2 है ठीक है। अभी वाले से ब्रैकेट से 2 बाहर है, उसको मल्टीप्लाई कर दें जो हमने यहाँ पे अभी इग्नोर कर दिया था, 2 2 2 4x हो जाएगा, और ये प्लस 2 9 18 हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा 9x - 2 हमारे पास इसी तरीके से रहेगा। यही हमारा आंसर, हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और स्टूडेंट आपका ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आप 2 को जो है जो हमने यहाँ पे इसको इग्नोर किया था अब इसे मल्टीप्लाई करें, आप डायरेक्ट जो यहीं तक भी करें तो आपका आंसर ये भी हो सकता है ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। आप क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए ये हमारे पास 7y² - 14y - 21 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ हो जाएगा y² - 7 2 14 एंड हमारे पास जो है वेरिएबल लगाना है y, और इसके अलावा 7 3 21। आप पहले ए इंटू सी ले लीजिए, यहाँ पर ए इंटू सी हमारे पास क्या है, दिस वन इज़ ए, दिस वन इज़ बी, दिस वन इज़ सी, तो हमारे पास 3 1 3 माइनस का 3 हो जाएगा। फैक्टर्स बना लीजिए, 1 3 3 3 1 3 कोई भी दो फैक्टर्स इन दोनों में, ये वाला लेना है ये वाला जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वही हम यहाँ पे फैक्टर्स रख लेंगे ठीक है स्टूडेंट्स। अब वाई स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, अगर मैं यहाँ पर 3 ले और 1 ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा 3x मैंने बोल दिया, वेरिएबल के अकॉर्डिंग लगाना होता है 3y और y। अच्छा यहाँ जो साइन आएगी वो यहाँ आएगी, अब यहाँ ये डिसाइड करेगा यहाँ पे क्या आएगा ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, तो अगर मैं यहाँ माइनस लगाऊंगी तो 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस किया 2 बचा, और साइन किसकी है यहाँ पे बड़े की लगी तो सही बिल्कुल ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और इसके अलावा एक और चीज़ देखें, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर कर देखें आपस में, 3 1 3 तो माइनस का 3 आ रहा है, बिल्कुल प्रोडक्ट भी फाइंड आउट हो रहा है। अब यहाँ पे आपका कॉमन मेथड अगेन वही चीज़ जो हमने पहले की थी, यहाँ कॉमन ले लीजिए, वाई कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई माइनस का 3 स्टूडेंट्स। यहाँ पर यहाँ क्या कॉमन है, प्लस 1 कॉमन है, तो हो जाएगा वाई प्लस माइनस माइनस का 3। देखिए अंदर की चीज़ हमारे पास सेम आनी चाहिए ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए, ये वाई माइनस 3 जो है हमारे पास कॉमन है, हमने एक जगह ले लिया है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो है
y प्लस का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।